खुदाम यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 6 नवंबर 2022 और इतवार का दिन है। जबूर की किताब 47वां जबूर और उसकी पहली 7 आयात में यूं लिखा है, ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ, खुदावन के लिए खुशी की आवाज से ललकारो, क्योंकि खुदावन ताला मुहीब है, वो तमाम रुए जमीन का शहनशाह है, वो उम्मतों को हमारे सामने जेर करेगा और कौमें हमारे कदमों तले हो जाएंगी, वो हमारे लिए हमारी मिरास को चुनेगा जो उसके महबूब याकूब की हशमत है। खुदावंद ने बुलंद आवाज के साथ, खुदावंद ने नरसिंगे की आवाज के साथ सऊद फरमाया, मदासराई करो, खुदा की मदासराई करो, मदासराई करो, हमारे बादशाह की मदासराई करो, क्योंकि खुदा सारी जमीन का बादशाह है। अकल से मदासराई करो, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, इतवार का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई, और जरूर है कि आज हम खुदावंद की मदासराई करें, उसकी हमद और उसकी तारीफ करें, अपनी शुक्रगुजारियां और अपनी दरखास्तें उसके हजूर पेश करें, अपनी उन तमाम नेमतों और बरकात के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें और अपने हदियाजात आज के दिन में खुदावंद अपने खुदा को पेश करें। मैं आप सब से ये दरख्वास्त करूंगा कि तमाम दुनियावी बातों, कामों और फिक्रों को छोड़ें और अपनी जिंदगी में खुदा को अव्वल दर्जा दें। हो सकता है कि आप बहुत मसरूफ हों, हो सकता है कि आप बीमार हों या आपके बहुत जरूरी काम हों। याद रखिए, खुदा से बढ़कर कुछ भी जरूरी नहीं है, इसलिए अपनी जिंदगी में खुदा को अहमियत दीजिए। खुदा आपके साथ हो, आइए हम दुआ करें। अब आप यीशु के नाम से तेरा शुक्र करते हैं कि एक और खूबसूरत दिन तूने हमारी जिंदगी में दिया है। आज के दिन के लिए, जिंदगी और जिंदगी की सारी नेमतों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी दुआ है खुदा, जितने भाई बहन बुजुर्ग बच्चे इस ऑडियो पैगाम को सुने, खुदा उन्हें कसरत की बरकत देना, उनके घरानों को बरकत देना जो जिस्मानी तौर पर बीमार हैं, अब्लीस या बीमारियों के हाथों दुख उठा रहे हैं। ऐ खुदा उन्हें शिफा दे, अच्छी सेहत दे, वबाई बीमारियों से, मौसमी बीमारियों से, हर तरह की ऐ खुदा मेजर बीमारियों से, छोटी बीमारियों से खुदा अपने लोगों को शिफा बख्श दे। तो जो रहीम खुदा है, तो जो ऐ खुदा भला है, अपने लोगों पर रहम करना। मेरी दुआ है खुदा, जहाँ जहाँ पर भी मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इबादत होती है, अपने लोगों की बड़ी हिफाजत कर। खादमुद्दीन के लिए बरकत चाहता हूँ, क्वायर्स के लिए बरकत चाहता हूँ, संडे स्कूल टीचर्स के लिए बरकत चाहता हूँ, और ऐ खुदावंद जितने भी लोग मीटिंग्स को लीड करते हैं खुदा उनके लिए बरकत चाहता। और मेरी दुआ है कि आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारें और हम सबों की बड़ी हिफाजत करना और ज़्यादा ईमान में बढ़ते रहने का भारी फजल बख्श दे। मेरी दुआ है आज का दिन बथेरों के लिए निजात का, बहाली का, शादमानी का दिन हो और सारी बातों में तेरी तमजीद हो। ऐ बाप, हमें फर्माबरदारी का रूप बख्श दे, इबादत गुजारी दिल से खुशी से करके और ज़्यादा तेरी बरकत को हासिल करें, मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।